अभी उस लड़की से कहिए कि इस घर से चली जाए। अगर वो लड़की इस घर से ही नहीं गई ना, हमारे मयंक और चारू का घर कभी नहीं बस पाएगा, उनमें कभी सुलह नहीं हो पाएगी। पर सीमा, तुम ये भी तो देखो ना, जो कुछ भी हुआ उसमें गुंजन का कोई दोष नहीं था, कोई हाथ नहीं था। वो बेचारी तो बेचारी? दीदी आप उसे बेचारी कह रही, जिसकी वजह से हमारे घर में एक कलेश मचा है, जो इस मुसीबत की जड़ है। क्यों आप हमेशा उसी का साथ देती है? अरे क्यों उसी घर से निकल बाहर नहीं करती आप? सीमा शांत हो जा और बैठ कर बात करो। तुम देखो, ठंडे दिमाग से सोचो तो गुंजन को इस घर से बाहर निकालने से क्या होगा, बल्कि हमें तो डर है कि इसका उल्टा असर ना हो, कि मयंक भी घर छोड़कर चला जाए। हमें मयंक को प्यार से बिठाकर समझाना होगा, पर मयंक हमारी बात मानेगा? भाई हमारा ही बेटा है, दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है, हमारी बात सुनेगा मानेगा? तुम ठीक कह रहे हो प्रभु, मयंक बच्चा नहीं है। उसे समझाना होगा कि शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं, जो आज की और कल तोड़ दी। चारू उसकी पत्नी है और उसे यह रिश्ता जिंदगी भर पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। आखिर हमारी भी समाज में, बिरादरी में कोई इज्जत है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये हमारे हमारे बच्चों के साथ? एक एक करके जब देखो कोई ना कोई नई परेशानी। आप भगवान पर भरोसा रखिए जी, जो गलत हुआ है उसे सही होने में थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पापा, मम्मी सही कह रही है, आप परेशान मत होइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप पानी पीजिए। क्या है मैं? What's your problem? क्या तुमने कसम खा ली है सबको परेशान करने की? अभी विहान से छुट्टी मिली ही नहीं थी कि तुम एक नई परेशानी लेकर खड़े हो गए। You have no feelings क्या? जरा सा भी आइडिया है तुम्हें? घर में सब लोग कितने परेशान हैं? मौसा जी, मौसी जी, चाचा चाची, बुआ। और मैं? तुम्हें सबकी फिक्र है ना? कभी तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझ पे क्या गुजर रही है? मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो गई है जिससे मैं प्यार तो दूर नफरत करता हूँ, कुछ नफरत, और ऐसे रिश्ते से मैं भागना चाहता हूँ। भाग जाओ या जो मन न्याय करो मैं, बट प्लीज मूव ऑन, जिंदगी में आगे बढ़ो। कैसे बोलो, कैसे बढ़ू आगे? मेरी जिंदगी तुम हो, तुम। Come on, man, please. क्या कभी तुमने चारू के बारे में सोचा? उस पर क्या गुजर रही होगी? इस सब में उसका क्या दोष है मयंक? मेरा क्या दोष है गुंजन? शादी से तुमने इंकार किया, यू बैक डाउन, और उस सब का नतीजा है ये। माँ, चाची, चारू, उन सब के साथ तुम भी उतनी ही गुनेगार। अगर उस दिन मंडप में तुम ऐसे नहीं करती ना, तो आज आज मैं एक गलत इंसान के साथ नहीं होता। वो पास था मयंक, और ये तुम्हारा प्रेजेंट है। पहले इससे डील करो, इसे सुधारो। तुम्हारा प्रेजेंट चारू है मयंक,
फॉरगेट, तुम्हारी शादी चारू से ही होने वाली थी। तुमने हमारी सगाई तोड़ी और सबके सामने कहा कि चारू ही तुम्हारे लिए सही लड़की है, तो फिर अब तू किस बात का है? तुमने जो बीज बोया उसी का फल भुगत रहे हो मयंक। सो देन एक्सेप्ट इट। नो कुंज, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैं अपना पास तो नहीं लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बदल के रहूंगा। मुझे सिर्फ दो दिन दो कुंज, सिर्फ दो दिन। मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा कुंज। तुम देखना, सिर्फ दो दिन में तुम मेरी होगी गुंजन, सिर्फ मेरी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो गई है जिससे मैं प्यार तो दूर नफरत करता हूं कुंजन, नफरत। और ऐसे रिश्ते से मैं भागना चाहता हूं। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यो। जितना महसूस करूं तुमको उतना ही भाभी रूं। तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए हो तुम यो। खुद को हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बेटा, सुनोगे ना? आपकी बात कभी ना सुनी, ऐसा कभी हुआ है ताई जी? तो इस बार सुनने के साथ साथ मान भी लो। हम जानते हैं इस वक्त जो तुम्हारे मन की स्थिति है शायद तुम हमारी बात को समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी बेटा आगे बढ़ो। अपने कल के बारे में सोचकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए अपने वर्तमान को काबू में करो और अपने भविष्य की नींव डालो। मैं वही कर रहा हूं दाई जी, हालात पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। नहीं मैं बेटा, जिसे तुम वर्तमान समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हारा अतीत है जो बीत चुका है, और तुम्हारे वर्तमान की सच्चाई अब चारों है बेटा। हम समझ सकते हैं बेटा, इस वक्त तुम्हारे मन में हलचल, आक्रोश, उदासी छाई हुई है, लेकिन इस सब का हल भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं ढूंढ सकता बेटा। तुम्हें मानना पड़ेगा, चारू तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उससे दूर नहीं भाग सकते। हाँ बाधाएं आती है लेकिन उस सबसे पार कर जाना इसी का नाम तो जिंदगी है। रास्ता छोड़कर भागना नहीं बेटा। प्लीज ताई जी, मुझे मुझे शादी में रहने के लिए मत कहिए प्लीज। क्यों बेटा, तुम्हें जरा सोचो ना, तुम्हारे और गुंजन की शादी होते होते नहीं हुई, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना? और फिर ना चाहते हुए भी चारू तुम्हारी जिंदगी में आ गई,
माना इस वक्त तुम्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हमारी बात मानो बेटा, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब समझ जाएगा, और फिर भगवान पर भरोसा रखो, वो सबका बेड़ा पार लगाते हैं। जो तुम्हारे लिए सही है ना, वो वही करेंगे, और जो गलत है वो उसे हटा देंगे। बेटा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और फिर हमारे अच्छे बेटे के साथ सब अच्छा ही होगा ना, है कि नहीं? अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ, यहां बहुत ठंड है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं करनी है ना? जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओके प्लीज मयंक, ऐसे सबके सामने। अच्छा पहले डॉक्टर के पास तो चलो। ठीक है, तुम नहीं चलोगी। अब देखना कुंजन, मैं बाइक और रेस चलाऊंगा। नहीं नहीं भैया, अच्छा, आप जितना कीजिए। चलिए रचना, प्लीज मुझे छोड़ दो और तुम जाओ यहाँ से। गुंजन प्लीज भैया की बात मानो ना, प्लीज गुंजन जाओ ना भैया के साथ। तुम देख रहे हो उनकी हालत, लेकिन रचना मैं प्लीज गुंजन, अगर भैया को कुछ हो गया तो जाओ गुंजन प्लीज। रुको मयंक, मैं आ रही हूं तुम्हारे साथ। क्यों आए? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नहीं मायर, पहले डॉक्टर के पास चलो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो। नहीं मायर। अरे चलो तो सो। आओ देखो, देखो कुछ याद आया।
अरे इको फॉरेस्ट, याद है हम एक बार यहाँ पे आए थे, हम लोग कितना चिल्ला रहे थे, हमारे शब्द गूंज गूंज के वापस आ रहे थे, याद है? तुम अभी तक समझे नहीं ना? कुछ मत बोलना और कुछ बुरा तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि हम यहाँ जो भी बोलेंगे ना हमारी आवाज गूंजेगी, और ये जितने भी पेड़ है ना इन्होंने हमेशा हमें प्यार में देखा है और प्यार में ही सुना है। तुम जानती हो गुंजन, अगर कोई भी प्रेमी जुदा हो जाते हैं ना तो इनमें से एक पेड़ मर जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं सिर्फ अपने प्यार की बातें करूं, ताकि वो यहां चारों तरफ गूंजे और गूंज गूंज के सिर्फ एक ही बात कहे। I love you, Gunjan. I love you, Gunjan. I love you. I love you. I love you, Gunjan. I love you, Gunjan. सुना? गुंजन याद है कि यहाँ पे हमने एक पेड़ पे अपने प्यार का धागा बांधा था, हमारे प्यार की निशानी, याद है गुंजन? आओ चलो चलो मैं दिखाता हूँ, कम आओ ना। ये देखो गुंजन हमारा प्यार इस गूंगे पेड़ ने भी हमारे प्यार की निशानी को कैसे संजो के रखा है, जैसे कि इसकी जिंदगी हमारे प्यार से जुड़ी हो। हम अपने प्यार को नहीं संजो पाए, अपने प्यार के धागे को हमने खुद ही तोड़ दिया। ये कैसा प्यार है कुंजी, हम कैसे प्रेमी हैं? अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों यहां से कहीं भाग चलते हैं, कहीं दूर अपने सपनों की दुनिया में। हाँ याद है कुंजन, एक बार हम दोनों घर से भागे थे, कितना मजा आया था। एक पुराना सा घर था टूटा हुआ, हमने कितना फन किया था गुंजन। चलो आज फिर से चलते, चलो। Stop it, Mayank! बस करो ये सब, अपने अतीत में जीना छोड़ दो, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसे ही पीछे देखते हुए चलते रहोगे ना तो गिर जाओगे मयंक। एक दोस्त होने के नाते कह रही हूँ, स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। इस धागे को ही देख लो, कैसे पेड़ को जकड़ रखा है, कट गया है ये पेड़ यहां से। पता नहीं इस बढ़ते हुए पेड़ को इस धागे से कितना दर्द हो रहा होगा। गुंजन कुछ चीजों को खींच देने में, तोड़ देने में, अलग करने से ही नए रास्ते बनते हैं मयंक। I'm sorry मयंक, तुम्हारे फ्यूचर के लिए करना जरूरी था, उसे की तुम मुझे माफ कर देना। मुझे जाना होगा मयंक, कॉलेज में बहुत जरूरी काम है। गुंजन लिसन, गुंजन मेरी बात सुनते, गुंजन गुंजन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। क्यों?
क्या हुआ? कहीं व्यान के साथ? तो क्या मयंक? नहीं गुंजन, नहीं, डोंट डू दैट। अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान कंपटीशन पर रखो, तुम्हें जीतना है ना गुंजन। ये जिंदगी इतनी छोटी है कि अगर इन तकलीफों के बारे में सोचती रही तो पता भी नहीं चलेगा, और ये जिंदगी, मस्ती, सारे मौके सब अलविदा कह के चले जाएंगे। कम ऑन, फोकस। अब ग्राउंड तक आई हो तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं विद अ स्माइल। या आओ जाओ, चेंज कर लो। क्या हुआ गुंजन? सर, आई कांट। नहीं नहीं, यू कैन डू इट, कम ऑन। क्या हुआ गुंजन? सर, वो मयंक वहां पर। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, दैट्स ओके। मैं बस 2 मिनट बात करके आ जाऊं। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। तो ये था तुम्हारा जरूरी काम। गुंजन, राजीव से इतनी दोस्ती क्यों? व्हाई गुंजन? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सब कुछ क्या कर रहे हो महक? प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो और जाओ यहाँ से। जस्ट गो। ओके, आई विल गो, लेकिन एक शर्त पे। गुंजन, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम भी मेरा पीछा छोड़ोगी। वो प्यार, वो यादें, वो बीती बातें, मुझे सब वापस चाहिए गुंजन। आई वॉन्ट देम ऑल बैक। देखो महक, जो बीत गया सो बीत गया, अब हम उस समय को वापस तो नहीं ला सकते है ना? Yes, हम कभी उस टाइम को वापस नहीं ला सकते। इसीलिए कुंजन, अगर इस दर्द से मुझे सुकून मिलता है ना, तो मुझे ऐसे ही रहने दो कुंजन। नहीं तो मेरे पास एक रास्ता और है। आज मैं गंगोत्री बीच से कूद के अपनी जान जरूर दे दूंगा।